ये देखो आप, यहाँ पे पत्थर गिरे थे उसका। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट आज का, दही पराठा साथ में चटनी। कैसे बने पराठे, सही है? तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे क्योंकि मौसम ख़राब है। अगर बारिश शुरू होगी फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और पत्थर जिस हिसाब से गिरते हैं तो इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। रक्षम पहुँचना है हमने वापसी में, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बैक टू शिमला जाते हैं या क्या करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही है। सो अभी निकल रहे हैं चितकुल से एंड आ रहे हैं नारकंडा में। आज का हमारा स्टे होगा, सो सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। एंड अभी यहाँ से चलते हैं। आपको जो रात में कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे वो आपको अभी दिखाएंगे। भाई अभी मौसम साफ़ हो गया है, धूप निकलाई है अच्छी खासी। सुबह तो ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, बट मौसम सही हो गया अभी। एंड अभी आप लोग वर्चुअली घूम रहे हो इंडियाज़ लास्ट विलेज। रात को तो यार ये सब कुछ देख नहीं पाया बिकॉज अंधेरा हो गया था। सांगला से आगे जो रास्ता है कच्छम के लिए वो भी काफ़ी डेंजरस है, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे से होके जाएंगे हम। सो वो भी आपको मैं व्यू दिखाऊंगा साथ में। हमने रात को फोटो खिंचवाए थे, सो ये देख लो आप। सो सामने भाई ग्लेशियर है, देखो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ देखो यार कूड़ा फेंका हुआ है। सो भाई रिक्वेस्ट है सबसे, जब भी आप ऐसी जन्नत वाली जगह पे आते हो तो यार ऐसा कूड़ा ना फैलाएं, ठीक है? यही मैसेज देना चाहता हूँ। बाकी बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ये इसका एंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सांगला, सांगला से जाएंगे हम कच्छम। सो चलो मिलते हैं। ये है, ये देखो आप, यहाँ पे पत्थर गिरे थे। सो यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, पत्थरों से ना सारी की सारी सड़क टूट जाती है, देखो कितने बड़े। सांगला की मार्केट, और ये हो गया है कच्छम का रोड।
चालू अब। और नीचे देखो, नीचे बिल्कुल खाई है। खतरनाक रोड। नीचे कुछ नहीं है, नीचे बस पारी बस। क्या ही व्यू है यार, क्या ही खतरनाक व्यू है। ब्रेथ टेकिंग रोड है ये। नहीं कर पा रहा सो दैट इज बाय, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नीचे देखो, नीचे बिल्कुल ख़त्म है, ख़त्म दुनिया, ख़त्म ख़त्म भाई, ख़त्म ख़त्म। यहाँ से गए तो तुम फिर मिलोगे नहीं भाई। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना ऐसे। वाह, अब देखो भाई असली पहाड़ के नीचे भी जाते हैं। अभी आप घूम रहे हो बर्ड के वन ऑफ द डेंजरस रोड पे सांगला। क्या क्या हो गया? कोई बात नहीं, हो गया थोड़ा सा रहा। क्या निकल गया, किस चीज का लग रहा है? अरे कोई बात नहीं यार, गुड गुड। अबे यहाँ मत रुको यार, पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से, यहाँ मत रुको। चलो भाई, ये रोड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है भाई, एकदम से गाड़ियां भी खत्म है सब, खत्म। नीचे तो प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का। बहुत क्लोज था भाई ये तो।
विंड फ्लो इतना ज़्यादा है कि देखो यार। तो यहाँ पे लिए हमने लंच ब्रेक। पाती भी है पास मिलता है या नहीं, बहुत मुश्किल है। वैसे यहाँ पे होता है किन्नौर का एंड। सो गुड मॉर्निंग, अभी हम हैं नारकंडा में। रात को बड़ी मुश्किल से हमें रूम मिला था, बेसिकली हमने कॉटेज लिया है यहाँ पे, और रात को बहुत थक गए थे, थोड़ा बता नहीं पाया कि रूम क्या है कैसा है, बट सही है, वुडन का है पूरा कंप्लीट। एंड अभी हालत, ये देखो क्या हो रहा है सुबह सुबह जोर आजमाया जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, जोर किसी में भी नहीं है। सब ब्लू। चॉक स्लैम लगा, चॉक स्लैम। आर टू ब्लॉक कर दिया भाई। विंडो व्यू साफ हो रहा है, बट सुबह बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई थी। तो ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में एंड मिलते हैं। कहेंगे आपको रोड कैसे हैं, बारिश तो नहीं हो रही है रास्ते में, बिकॉज सुबह यहाँ पे हुई है। आई डोंट नो शिमला में कम्प्लीटली बारिश हुई है कि नहीं हुई है, एंड चेक करना पड़ेगा, कहीं रास्ता भी बंद ना हो, कहीं लैंडस्लाइड ना हुई हो। सो विल कीप यू। सो हेलो डॉगी, खाना खाओगे? तो ठीक है, अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, बस बारिश ना मिले यार रास्ते में, तो दिक्कत हो जाएगी। बंजी कोट लगा लेते हैं, इसको लगाइए उस साइड। पूरी बाइक गिल्ली हो गई है। तो भाई साहब धुंध देखो, धुंध कितनी पड़ी हुई है। अरे घूम जाएगा टायर। हाँ ज़्यादा जोर मत लगाइए, तेरा टायर ना बिल्कुल। चलो आराम से आराम से आराम से आराम से सुबह सुबह वर्कआउट हो गया बाइक्स के साथ। आराम आराम से चलना पड़ेगा सुबह सुबह का, और दिखना ही बंद हो जाएगा। मुझे लगता है ये नारकंडा के टाइम में भी जब बारिश होती है तो उसके बाद धुंध होना नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। भाई साहब आगे कुछ दिख नहीं रहा है, आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। बिल्कुल जब गाड़ी पास पहुंच रही है तो पता चल रहा है कि गाड़ी चल रही है,
देखेंगे आगे फिर से धुंध है। उस टाइम पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की, एंड बारिश शिमला का मौसम ऐसा ही है। वो हमने पार्ट कवर कर लिया, जो मेरे साथी हैं उनको चेज करना पड़ेगा बिकॉज मैं रास्ते में फंस गया। भाई ये धुंध जो है वो वैसे ही बरकरार है, बीच बीच में मौसम साफ है बट मोस्टली धुंध ही है। अभी हम क्यों पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, देखो थोड़ी कम होगी आगे फिर से बढ़ जाएगी। आई होप आगे का वेदर क्लियर हो, बट नहीं दोस्त नहीं। हालत हालत डॉगीज, आगे तो पूरी असेंबली लगी हुई है भाई, पूरी मीटिंग हो रही है। सब देखो शिमला की बारिश ने पूरा धो दिया है यार, बहुत बारिश हो रही है। एंड बाकी जो भाई लोग हैं वो भी अलग अलग रास्ते में चले गए हैं सारे यार, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे। बट अभी मौसम ख़राब है एंड आगे मिलते हैं जिला है, यहाँ से निकलते हैं। बट देखो कितनी बारिश हो रखी है, सारी सड़क पूरी गीली है यार, देख सकते हो क्या हालत है, कैसा मौसम है शिमला का। पूरे कपड़े सब कुछ गीला हो गया। तो ये है हमारा लास्ट स्टॉप और इसके बाद सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़। एंड यहाँ पे लिए हमने मैगी ब्रेक, सो ये बन रही है हमारी मैगी। तो भाई बना रहे हैं मैगी एंड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। धुंध देख ली, बारिश देख ली और क्या क्या देखा, मैं धुंध देख ली, बारिश देख ली और क्या क्या देखा हमने, डर डर का सामना भी कर लिया, मौत का खौफ, मौत से कभी दो घंटे आगे कभी दो घंटे पीछे, बहुत कुछ हो गए से वापस आ सकते हैं। सही बात है, यही कुछ हमारे साथ हुआ है। एंड ब्लॉग को यहीं पे अब एंड करने का टाइम आ गया है। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और बाकी जो ब्लॉग इससे पहले अपलोड करें अगर वो भी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय कर दो भाई एक बार, बाय गाइस। ठीक है भाई, बाय बाय।